नगर निगम को मतलब कोई काम नहीं करता है, ये तो गलत बात है कि नगर निगम कुछ काम कर रहे हैं, नाली उली साफ करा रहे हैं, तो कम चांस है डूबने का पटना। और यदि गंगा का स्तर ऊपर चला गया तो बॉम्बे वाला हाल है। पानी बरसा होगी, पानी जमना है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, पटना डूबना ही डूबना है, क्यों डूबना है। नमस्कार, मैं अनुष्का सिन्हा और आप देख रहे हैं DTW 24 न्यूज़। पिछले बाढ़ हुई बरसात में पटना लगभग डूब चुका था। ऐसे में लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा था। लोग मजबूरन अपने घरों में लॉकडाउन हो चुके थे। इस सिचुएशन में लोगों को खाने से लेकर पीने तक की कमी का सामना करना पड़ा। ऐसे में आज हम पटना के सड़कों पर आए हैं, जहाँ पर हम पटना के लोगों से जानेंगे क्या है उनकी राय। पटना में एक बार फिर से बरसात का मौसम आ चुका है, इस पे पटना वाले क्या कहना चाहेंगे? क्या वो इस बरसात को लेकर तैयार है, या फिर उन्हें पटना नगर निगम पे भरोसा है कि पटना नगर निगम इस बार पटना को डूबने नहीं देगा? आइए देखते हैं क्या है उनकी राय। सर, पिछले बार जो हुई बारिश में पटना लगभग डूब चुका था, ऐसे में लोगों को काफ़ी प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ा था। इस बार फिर से बारिश का मौसम आ चुका है, तो आपको क्या लगता है, पटना फिर से डूब सकता है या फिर नगर निगम इस बार पटना को डूबने नहीं देगा? नहीं, नगर निगम को मतलब कोई काम नहीं करता है, ये तो गलत बात है। वो पानी बरसा होगी, पानी जमना है। जहाँ नीचा का पोर्शन रहेगा उसमें इमीडिएट होगा, और थोड़ा ऊंचा वाला रहेगा तो उसमें थोड़ा देरी लगेगा। जहाँ तहाँ उड़ाही होना चाहिए था, वो हुआ नहीं जगह पर। यहाँ तो मतलब हम जब से मतलब करीब नहीं भी तो 10 साल से हम देख रहे हैं, जहाँ भी वर्षा हुआ, जमकर बारिश हुई, जम जाना है। इसमें कोई ये नहीं है, नगर निगम का कोई रोल नहीं है, थोड़ा बहुत अपना इधर उधर कर दिया, हो गया, ऐसे कोई खास बात नहीं है। उम्मीद है पानी बरसा होगी, जमकर होगी बरसा, सभी जगह डूब जाएंगे, ये निश्चित है। प्रश्न ये किया गया है कि इस वक्त पटना नगर निगम ने सही इंतज़ाम किया है या नहीं कि बरसात का पानी बाहर जा सके। क्या ये पटना फिर से बाढ़ का प्रकोप झेलेगा अथवा नहीं? यदि किया है तो बहुत बढ़िया, लेकिन हमें नहीं लगता है कि ये संभव हो सकता है। इसमें और अधिक वक्त चाहिए और प्लानिंग चाहिए। आज से 25 साल पहले से ये शुरू होना था। अब तो आप सिर्फ गड्ढा कोड़िए, पानी जमा कीजिए और काम कीजिए। आपको पंप आउट करना पड़ेगा। राजापुर के पास जो एक मशीन है वो ओवरलोडेड है, और यदि गंगा का स्तर ऊपर चला गया तो बॉम्बे वाला हाल है। रास्ता नहीं है, निकास नहीं है, इसमें नगर निगम का भी ज़्यादा दोष नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हमें तो उम्मीद है कि नगर निगम कुछ काम कर रहे हैं, नाली उली साफ करा रहे हैं, तो कम चांस है डूबने का पटना। आगे चल के देखिए क्या होता है। मेरे हिसाब से तो लग रहा है कि नगर निगम कुछ काम कर रहे हैं। ना मुश्किल है कि डूबने नहीं देगा, लेकिन नगर निगम बहुत बढ़िया काम किया है, बहुत बढ़िया। बाकी सब देखिए बरसात कैसी होती है उस पर निर्भर है। अगर अच्छा बरसात हो जाएगा तो प्रकृति के आगे किसी का नहीं चलता है, तो यही कहेंगे नगर निगम अच्छा काम किया है। नगर निगम का काम तो चल रहा है, लेकिन इस बार उम्मीद कम है डूबने का, लेकिन अगले बार जैसा हुआ था उस बार ऐसा नहीं हो पाएगा। काम बहुत तेज़ी से हर जगह का काम, निर्माण का काम चल रहा है, नाला निर्माण का, जगह जगह उड़ाही भी हो रही है। नगर निगम ने काफ़ी सुधार किया है, लेकिन अभी भी बहुत सारी जगहों से हमें न्यूज़ में सुनने में आ रहा है कि जल जमाव काफ़ी हो रखा है। इस वजह से मुझे पूर्ण विश्वास ये नहीं है कि डूबेगा कि नहीं डूबेगा, क्योंकि सरकारी काम है, कभी अच्छा होता है कभी बुरा होता है। परिस्थिति आगे हम लोग के लिए कैसा होता है ये तो वक्त पे निर्भर है, लेकिन मुझे फिर भी अभी डर है कि डूब भी सकता है, क्योंकि पूर्णतः काम अभी नहीं हो पाया। जहाँ जहाँ से देखने में आ रहा, अभी 2 दिन की बारिश में भी अच्छा खासा जल जमाव हो चुका है, NMCS डूब चुका है, इस प्रकार से बहुत सारी जगहों से मुझे खबरें आ रही हैं, तो मुझे लगता है कि खतरा बरकरार है। तो काम तो जी कर रहे हैं नगर निगम वाला, सगरो नाली गली साफ कर रहे हैं, भरोसा तो है कि नहीं डूबने देंगे। सर, पिछले बार जब बरसात हुई थी तो पटना लगभग डूब चुका था, इस बार फिर से बरसात का मौसम आ चुका है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है, पटना फिर से डूब सकता है, या फिर आपको नगर निगम पे भरोसा है
कि वो इस बार पटना को डूबने नहीं देंगे। नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, पटना डूबना ही डूबना है, क्यों डूबना है, वो खाना पूर्ति यहाँ काम होती है, यहाँ का जो सिस्टम जो है ना वो एकदम टफ हो चुका है, मतलब कोई सिस्टम में कोई दम नहीं है, मतलब चाह कर भी नहीं कुछ कर सकते हैं ये लोग, सिर्फ खाना पूर्ति फाइल पे होती है, बाकी अंदर अंदर काम होती है, ऊपर से दिखला पब्लिक को दिखलाने के लिए कि हाँ ये हो रहा है ये हो रहा है, लेकिन ये कोई काम नहीं करते हैं ये लोग, ऐसा कुछ होना ही नहीं है, पटना फिर डूबना है। जगह जगह पर रोड बनाई जा रही है और अच्छे से काम हो रही है सरकार की तरफ से, ऐसी नहीं है, मतलब जो नीची थी रोड टूटी फूटी थी वहीं पानी जम जाती थी, बस वही बात है कि अब थोड़ा सा सुधार होने वाला है, धीरे धीरे सुधार हो जाएगा, अच्छी बात है, सरकार से यही अपील है कि रोड बनाया जाए और ऊंचा किया जाए जगह जगह। तो इस बार ऐसा लगता है कि पटना डूबेगा नहीं, बच सकता है, हो सकता है, बट सरकार कोशिश करेंगे तो बच सकता है। निगम तो काम किए हैं लेकिन पूरा उतना तरह से पूरा कंप्लीट काम नहीं हो पाया है, ठीक है, जो नाला वगैरह उराही करना था, सफाई करना था, वो डेप तक नहीं हुआ है, तो संभावना तो बनती है लेकिन इन लोगों ने कोशिश कर रखा है कि नहीं बचाया जाएगा पटना को। तो आप देख सकते हैं कुछ लोगों का मानना है कि पटना इस बार फिर से डूब सकता है, वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें नगर निगम पे पूरा विश्वास है, वह सोचते हैं कि इस बार नगर निगम पटना को डूबने नहीं देगा। बिहार समेत देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए बने रहे हमारे साथ, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।